अब उसको क्या कहे कि आप कभी उमर खय्याम को पढ़ो बाबा लोग। माला फेरते फेरते त्रिपुंड करते करते कभी इसको भी पढ़ो कि इसमें भी अल्लाह का ही संदेह। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। कुछ समय पहले किसी के नाचने पर बवाल हुआ था, मैंने सोचा बेकार का विवाद है, नहीं लिखा। फिर अली मौला पर मुरारी बापू की एक क्लिप देखी, जाने दिया। आज फिर वो एक क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि त्रिपुंडधारियों और बाबाओं को उमर खयाम और रूमी पढ़ना चाहिए, तब पता लगेगा कि अल्लाह की बंदगी क्या है। सवाल यह है कि क्या ऐसा कहना या मानना गलत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं इस पर लिख बोल क्यों रहा? वो इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से क्रिकेट की पिच पर फुटबॉल खेलना खेल और देखने आए दर्शक दोनों का ही अपमान है। जैसा कि हजारों बार हम सब ने सुना है कि व्यक्ति को समय, जगह, परिस्थिति और पात्र देखकर बोलना चाहिए, संतों को तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुरारी बापू ने जो कहा वो किसी महफिल, मुशायरे में कहते, कवि सम्मेलन में कहते, बड़ा अच्छा लगता। जिस शराब और सौंदर्य की उपमाएं दे रहे हैं वो अगर किसी प्राइवेट पार्टी में पीते वक्त भी देते तो भी अच्छा रहता। लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं की भरी सभा में जब आप अली मौला करने लगते हैं या करवाने लगते हैं तो आप माने या ना माने सेकुलरिज्म की बयार में आप नाक घुसाना चाह रहे हैं। अपने कार्यक्रमों में गजल गायक को जगह देना, मनोरंजन के लिए गीत गजल सुनना अलग बात है, लंबी कथा हो तो बीच बीच में संगीत का सहारा लेना उचित लगता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब आप उन गजलों की व्याख्या करते हो उसमें हिंदू और राम खींच लाते हैं। समस्या तब होती है जब आपके लिए ईश्वर और अल्लाह एक हो जाता है, भक्ति और बंदगी एक हो जाती है, जबकि ऐसा है ही नहीं। मेरी बात मत मानिए, अल्लाह को मानने वाले से ही पूछ लीजिए कि क्या ईश्वर और अल्लाह एक समान है। जवाब आपको मिल जाएगा। अल्लाह को मानने वाला और कुछ मानता ही नहीं, वो यह गाता है कि मोहम्मद का सानी, मोहम्मद का हमसर, ना पहले था कोई, ना अब है, ना होगा। फिर आप किस हिसाब से दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं? आवश्यकता क्या अन पड़ी है कि आपको प्रवचन और सत्संग में अली मौला और अल्लाह की बंदगी की याद आ रही है? एक तरफ एक मजहब है जो कि अपने मूल रूप में प्रसारवादी, राजनैतिक और ऐतिहासिक तौर पर हिंसक और लूटपाट, बलात्कार से लेकर आतंक का शासन स्थापित करने पर तुला हुआ है, और दूसरी तरफ उसी की प्रसारवादी नीतियों को झेलकर हर बार खड़ा होने वाला धर्म। दोनों एक है ही नहीं, आप क्यों इसको मिलाने पर तुले हों? आखिर आवश्यकता क्या है? क्या भजन खत्म हो गए, वेदवाणी का लोप हो गया, उपनिषदों के सूक्ति वाक्य गायब हो गए, क्या पुराणों के सुभाषित पन्ने से उड़ गए, क्या सनातनियों के अनगिनत ग्रंथों के अनगिनत श्लोकों की कमी पड़ गई कि राम कथा में जाने वाला प्रवचनकर्ता अली मौला पर न सिर्फ नाच रहा है बल्कि उस नाच को सही भी कह रहा है? वस्तुतः धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, हर व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण से उसे देखने की स्वतंत्रता है, परंतु हर व्यक्ति की समझ का स्तर उतना ऊंचा या व्यापक नहीं होता कि वो स्वयं ही से समझ सके। इसी कारण कथावाचक होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, सत्संग का आयोजन किया जाता है। ये एक सामान्य व्यक्ति को धर्म की जानकारी देने, एक बेहतर जीवन जीने का तरीका बताने का रास्ता है। किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को अपने टेंट में बिठाकर अली मौला और अल्लाह की बंदगी बताना यह बताता है कि कथा का ज्ञान होना एक अलग बात है, और प्रवचन के नाम पर तत्कालीन राजनीतिक विषयों में रुचि लेते हुए धार्मिकता के नाम पर सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बनना बिल्कुल अलग। मुरारी बापू को रामकथा कहनी चाहिए क्योंकि मंच का पूरा प्रयोजन ही वही है। रामकथा में न तो अल्लाह आते हैं, न आने का कोई औचित्य है। कोई अल्लाह को रामकथा में ला रहा है तो इससे राम वालों को भी समस्या होना चाहिए और अल्लाह वालों को भी। भक्ति में श्रद्धा है, बंदगी में गुलामी है, जो तथाकथित नेक बंदों से आईसीस जैसे प्रतिष्ठान बनवाती। दोनों एक है ही नहीं, दोनों में पारिभाषिक तौर पर बुनियादी अंतर है और वो बना रहना आवश्यक है। आप बॉब मार्ले को सुनिए बापूजी, अरियाना ग्रांडे को सुनिए, कौन की धुन पर नाचिए, आपका समय, आपका घर, आपका म्यूजिक सिस्टम। लेकिन हाँ, ये काम अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर मत कीजिए, क्योंकि आप एक व्यक्ति मात्र नहीं है, ना ही आप एक व्यक्ति के रूप में कहीं बुलाए जाते हैं या आपका कहीं आयोजन होता है। आपके नाम के पहले राम कथा वाचक जैसे विशेषण लगते हैं। आपको अली मौला में भी रुचि है तो टेंट लगवाइए, बड़े बड़े बैनर पोस्टर पर अल्लाह कथा वाचक मुरारी बापू लिखवाइए, वहाँ गाइए और लोगों को बंदगी के मायने समझाइए। रूमी ने बहुत अच्छी बातें कही, उमर खयाम की रुबाइयाँ भी कमाल की हैं, लेकिन कमाल की तो शकीरा का हिप्स डोंट लाई भी है, कमाल तो ट्वर्किंग भी है। कर पाएंगे, कीजिएगा आप। गांधी बाबा वाला रोग मत फैलाइए, उसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन से भारत आज तक उबर नहीं पाया। गांधी ने दिल्ली के बंगाली कॉलोनी में एक मंदिर में कुरान का पाठ करवाया था। बात यह नहीं है कि उससे क्या हो गया, बात यह है कि आवश्यकता क्या है इस बेहूदगी की। और हाँ, यह सवाल भी बिल्कुल जायज है कि क्या किसी मस्जिद में भारत का मुसलमान रामलीला होने देगा?
क्या किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर से गीता पाठ संभव है 5 बार? और एक बात, अगर किसी समानांतर ब्रह्मांड की भारत भूमि पर बने किसी मस्जिद में अगर मुसलमान गीता पाठ कर भी दे तो भी सवाल वही है कि हम क्यों अली मौला करें? उनको गीता पढ़ना है, उनका सरदर्द है, उनको रामलीला करना है, वो करे। वो कहीं हनुमान का रोल कर रहा है, बिल्कुल करे, करे क्या, हिंदू ही बन जाए, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हिंदुओं की रामकथा के बीच में ये रूमी और खय्याम की बकैती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपने न सिर्फ जगह और आयोजन की सीमाओं का उल्लंघन किया है, बल्कि आप उससे और आगे जाकर त्रिपुंड लगाने वाले और बाकी धर्मगुरुओं पर ताना भी मार रहे हो कि उन्होंने जलालुद्दीन रूमी को नहीं पढ़ा। पढ़ा तो आपने भी बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि जो पढ़ा है उसे अच्छे समझते हैं या नहीं। समझते हैं तो दूसरों में इस ज्ञान का प्रसार कीजिए। समझने में कहीं दिक्कत रह गई हो तो दोबारा पढ़िए कि किस जगह पर अल्लाह और बंदगी की बात लिखी हुई है, या उस पर चर्चा करने किस श्रद्धालु ने कब बोला। क्या आपसे किसी ने कहा कि दोनों के अंतर गिना या समानता बताएं? अगर संदर्भ हुआ रहा हो तो आपकी बातें ठीक लगेगी, लेकिन संदर्भ वो था नहीं। मेरी ना तो समझ उतनी है, ना ही ज्ञान का वृत्त उतना व्यापक है कि मुरारी बापू को निर्देश दे सकूं। एक सामान्य हिंदू के तौर पे पहले विवाद की उपेक्षा के बाद दोबारा जब स्वयं का बचाव करते हो दूसरे धर्माचार्यों पर ताना मारने और उन्हें अज्ञानी कहने की जो दृष्टता उन्होंने की, तो मेरा भी एक वीडियो तो उचित ही लगता है। आप ज्ञानी हैं, बने रहें। आपको अली मौला करना है तो टोपी पहन लीजिए और भरी सभा में नमाज ही पढ़ लीजिए, हमें समस्या नहीं है। आप अपने पैसों से 2-4 मस्जिद भी बना दीजिए, वो भी ठीक है, लेकिन इन सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। राम कथा सुनने के लिए बुलाकर बिना किसी संदर्भ के अल्लाह की बंदगी के रस में डूबने की बातें करना श्रद्धालुओं को ठगने जैसा है। नमस्कार। पहले मौलाना साहब, मैं कथा में शेर शायरी करूं तो भी कहीं धर्माचार्य को तकलीफ होती थी कि मुरारी बापू शेर डालता है। सभी धर्मों में कट्टर तो होते हैं, आप में होते हैं, हमारा मां थोड़ा पोछा हुई वधारे हो, पण होय तो होय तो होय कहीं होते हैं, तो उसको तकलीफ होती थी मुरारी बापू शेर बोले। ये तो इस्लाम धर्म की शायरी है, ये तो रब की बात करती है, फला की शराब की बातें करती है, सुंदरियों की। अब उसको क्या कहे कि आप कभी उमर खय्याम को पढ़ो। बाबा लोग माला फेरते फेरते त्रिपुंड करते करते कभी इसको भी पढ़ो कि इसमें भी अल्लाह का ही संदेश है। उमर खय्याम को पढ़ो, जलालुद्दीन रूमी को पढ़ो, तो पता लगे कि बंदगी क्या है साहब।